जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप 30 लाख वोट कम लाने के बाद भी कैसे राष्ट्रपति बन पाए थे, किस डेट को वहाँ इलेक्शन होते हैं, किस डेट को ट्रंप स्टार्ट होती है, कब फ्री हुआ था अमेरिका और किसके अधीन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कब ये इलेक्शन कब होते हैं। तो देखिए, इलेक्शन जो 1 नवंबर के बाद में जब भी फर्स्ट ट्यूजडे आता है तो उसी को ये इलेक्शन कराए जाते हैं। ये उसका ट्रेंड बना हुआ है कि इलेक्शन तभी होंगे 1 नवंबर के बाद में जब भी कोई फर्स्ट ट्यूसडे आता है तो इलेक्शन वहाँ कराए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो यहाँ हम चूज़ करते हैं, जो वोटर्स होते हैं चूज़ करते हैं इलेक्टर्स, अपने अपने स्टेट्स में वो चूज़ करते हैं इलेक्टर्स। ये इलेक्टर्स क्या करते हैं, फॉर्मली अपना वोट देते हैं, बैलेट करते हैं दिसंबर 12 के बाद में जो फर्स्ट मंडे आता है उसको क्या करते हैं, अपना वोट डालते हैं। और 20 जनवरी को जो टर्म स्टार्ट होती है अमेरिका के राष्ट्रपति की, अब के बाद जो बनने जा रहे हैं वो अमेरिका का 45th यानी कि 45वें राष्ट्रपति होंगे। अब कैसे होता है कि जो वोट होता है वो डायरेक्ट वोट नहीं होता है, कि जो वहाँ जो वोट डाल रहे हैं लोग वो उनका नेशनल वोट नहीं है, वो स्टेट वोट है, कि स्टेट में जो सीटें होती हैं उनके लिए वोट डाल रहे होते हैं वो। अब यहाँ जो चुनाव हो रहे होते हैं वो एक यानी कि केवल राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं कि वहाँ वाइस के लिए भी हो रहे होते हैं, सीनेट्स के लिए हो रहे होते हैं, और 435 की जो लोअर सीटें होती हैं उनके लिए भी वहाँ इलेक्शन हो रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ दो वर्ड हैं कि सीनेटर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सीनेट जो है वहाँ का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, और ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये हमारी जो लोकसभा है उस तरह होता है, लोअर हाउस होता है, दिस इज लोअर हाउस। लोअर हाउस यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है यूएस की, उसको हम बोलते हैं कांग्रेस। अब क्या योग्यताएं होती हैं वहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो वहाँ का नागरिक हो या 14 ईयर से वहाँ रह रहा हो और उसकी एज कम से कम 35 हो। अब देखिए 2016 में क्या हुआ था, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप थे जो, उनका उनके जो वोट थे वो 30 लाख वोट कम थे, किससे, हिलेरी क्लिंटन जो लास्ट टाइम उनके अपोज में थे उनसे 30 लाख यानी 3 मिलियन वोट कम आए थे, तभी राष्ट्रपति वो बन गए थे। कैसे, कि जो टोटल वोट्स थे उनके वो 30 लाख उससे कम थे, लेकिन जो सीटें आई स्टेट वाइज जो सीटें निकल के आई वो 270 से ज़्यादा आ गई, 270 से फालतू आ गई, तो मेजोरिटी में आ गए, इसलिए वो राष्ट्रपति बन पाए। तो देखिए बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है वहाँ की, जो टोटल वोट्स हैं जो पब्लिक चाह रही है कि राष्ट्रपति वो बने, 30 लाख लोग हैं वो फालतू चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन बनना उस टाइम, हिलेरी क्लिंटन, लेकिन बना कौन, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो पैटर्न ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं देखते, वहाँ देख रहे हैं कि सीटें कितनी आ रही हैं। आगे चलते हैं कि कितनी सीटें किस स्टेट को दी गई, तो देखिए टोटल वहाँ 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, देर आर 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं, उनमें फॉर्मूला ये लगता है कि दो तो सीटें फिक्स हैं, किसके लिए हैं, सीनेटर्स के लिए, ये वोट डालते हैं, यानी दो सीट तो फिक्स हो गई किसकी, सीनेटर्स की। उसके बाद में कि जो कि पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है कि कितने सीटें वहाँ रहेंगी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जैसे कैलिफोर्निया है वहाँ 55 सीट्स हैं, 55 सीट्स, क्योंकि दो सीट तो हैं वो किसकी हैं, सीनेटर्स की, और 53 है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखिए जो कैलिफोर्निया स्टेट जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की, 38 मिलियन पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं हम, स्टेट है अमेरिका में, वहाँ 38 मिलियन पॉपुलेशन है, और वहाँ आपको हैरानी होगी कि 8 लाख से ऊपर तो वहाँ इंडियन वोटर्स हैं। सोचिए 8 लाख से ऊपर तो वहाँ इंडिया के वोटर्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो वोट डालने लायक हैं, इतने लोग तो वहाँ हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है वोटिंग का। तो देखिए पहली बात कि डिसाइडिंग ऑफ कैंडिडेट्स, वो दो तरह से होता है कि प्राइमरीज एंड कोकस। प्राइमरीज में क्या होता है कि जो पार्टीज जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं इलेक्शन के थ्रू कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा, सबसे डिजर्विंग है, सबसे मजबूत दावेदार है राष्ट्रपति बनने का, तो उसके लिए वोटिंग होती है, वो पार्टी वोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरीज, और ऐसा 34 स्टेट्स में वहाँ होता है। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोकस, इसमें इलेक्शन नहीं होती है, लेकिन जो पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो चूज करते डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति के लिए।
ऐसा कितने स्टेट्स में हो रहा है? 16 स्टेट्स में। देखिए टोटल जो स्टेट्स हैं वो 50 स्टेट्स हैं, जिनमें 34 में तो हो रहा है प्राइमरीज एंड 16 स्टेट्स में हो रहा है कोकस। अब टोटल सीट्स जो वहाँ है 538 सीट्स हैं और मेजोरिटी के लिए चाहिए 270 सीट्स। अब है कि अमेरिका कब फ्री हुआ था? अमेरिका फ्री हुआ था भाई जुलाई 4 1776। अभी किसके अधीन था? द ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, जिसको हम जानते हैं, उसके अधीन था अमेरिका भी। ये तुमने बात की कि ये चलता आ रहा है, ये कब से चला आ रहा है कि नवंबर 1 के बाद में जो फर्स्ट ट्यूसडे आएगा उसको इलेक्शन कराए जाएंगे, ये चल रहा है 1845 से। दिसंबर 12 को क्या होता है कि जो ये इलेक्टर्स हमने चूज किए पब्लिक ने, वो अपना फॉर्मल वोट डालते हैं और 20 जनवरी को जाके वहाँ उनकी टर्म स्टार्ट होती है।